दोस्तों, खुशहाल जीवन के लिए जरूरी होता है कि पति पत्नी दोनों ही समझदार हों और उन्हें समाज और संसार से जुड़ी हुई बातों के बारे में अच्छे से पता हो। वहीं कुछ शास्त्रों में कहा गया है कि पति पत्नी की 6 आदतें होती हैं। अगर वैवाहिक जीवन में सुख प्राप्त करना है तो इन 6 आदतों पर काबू रखना बेहद ही आवश्यक होता है। ऐसा नहीं करने पर रिश्ता खत्म होने की कगार पर पहुंच जाता है। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल रघुजी फैक्ट पर। आइए जानते हैं, इससे पहले अगर वीडियो पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक। दोस्तों, गुस्सा पति हो या पत्नी, अगर कोई भी गुस्से वाले स्वभाव का हो तो परिवार में कभी भी शांति नहीं होती, हमेशा कलह ही होता रहता है। साथ ही दोनों मानसिक रूप से बीमार भी रहते हैं। ऐसी अवस्था में अच्छे काम भी उन्हें बुरे लगते हैं। गोपनीयता वैवाहिक जीवन में खुशहाली के लिए दोस्तों जरूरी होता है कि पति हो या पत्नी उनके बीच की बातें किसी तीसरे व्यक्ति तक ना पहुंचें। यह बातें जितनी ही गुप्त रहनी चाहिए, रिश्ता उतना ही बेहतर होता है। अपनी बातों को खुद तक सीमित रखकर अच्छी बातों पर चर्चा करने वाले पति पत्नी हमेशा सुखी रहते हैं। वो हमेशा एक दूसरों का सम्मान करते हैं। दोस्तों, खर्च भी पति पत्नी का रिश्ता तब तक खुशहाल रहता है जब दोनों को पैसे के इस्तेमाल की सही जानकारी हो। दोनों को आमदनी और खर्चे में संतुलन के बारे में पता होना चाहिए। कभी भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता और जीवन में आनंद ही आनंद बना रहता है। दोस्तों, आमदनी का ज्यादातर हिस्सा उससे ज्यादा खर्च करने के लोग ही बर्बाद हो जाते हैं। दोस्तों, मर्यादा में रहने वाले लोग हमेशा सुखी रहते हैं और उसका उल्लंघन करने वाले लोग जीवन भर पछताते हैं। व्यक्ति को अपने संस्कार और मर्यादा को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। इससे भूलने वाले पति पत्नी के बीच कलह उत्पन्न हो जाता है। दोस्तों, धैर्य मनुष्य के जीवन में धैर्य को अभिन्न गुणों में माना गया है। संकट की घड़ी में जो भी पति पत्नी धैर्य का परिचय देते हुए आगे बढ़ते हैं उन्हें ज्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता। धैर्य खो देने वाले लोग जीवन में हताश होकर कई प्रकार की समस्याओं से जूझने लगते हैं। दोस्तों, झूठ पति पत्नी के बीच का रिश्ता झूठ पर नहीं टिका होना चाहिए। उनके बीच अगर कोई भी झूठ का सहारा लेता है तो एक समय के बाद सच सामने आता है और फिर रिश्तों में कड़वाहट शुरू हो जाती है और झूठ सभी रिश्तों को बर्बाद कर देता है।